हेलो बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था, नाइन्थ क्लास का अपना फोर्थ चैप्टर चल रहा था, रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरण। इसका अपन एक टॉपिक कर रहे थे, परिवर्तनशील संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अपन ने देखी थी। परिभाषा क्या बोलती है इसकी, कि परिभाषा इस तरीके से देंगे कि कुछ तत्व क्या होते हैं, एक से ज़्यादा संयोजकता दिखाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता। जैसे अगर उदाहरण की अगर मैं बात करूँ तो उदाहरण इस तरीके से हो जाएंगे, जैसे कॉपर जो है ये क्या करता है, दो वैलेंसी दो संयोजकता दिखाता है, दो संयोजकता शो करता है, एक तो वन और एक क्या होती है इसकी, दो। ठीक है, ऐसे ही आयरन जो होता है वो भी दो संयोजकता दिखाता है, दो और तीन। ऐसे ही स्टेनम वो दो और चार, इस तरीके से ये संयोजकता दिखाते हैं। मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जो दो एक से ज्यादा संयोजकता दिखा रहे हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। अब एक चीज आप यहां पे ये ध्यान रखना कि जो कम वाली वैलेंसी है, ये कम वाली जो वैलेंसी है, इनके लिए जब भी ये तत्व होगा, जैसे मैं बोलूं कॉपर को अपन क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, ठीक है, क्यूप्रम बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो अगर कम वाली वैलेंसी है, कम वाली जो संयोजकता है, उसके लिए आपको इसके लिए अनुलग्न लगाना है अस, और ज्यादा वाली जो संयोजकता है उसके लिए आपको अनुलग्न लगाना है इक। इतना याद रख लोगे आप लोग। जैसे मैं बोलूंगा क्यूप्रम जो है, इसका अगर कोई अपने को यौगिक बनाना है, तो वो क्या होगा कि अगर कम वाली संयोजकता दिखा रहा है वहां पे, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, एस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे क्यूप्रस, अगर प्लस वन संयोजकता आई तो, ठीक है, यानी प्लस वन संयोजकता होगी तो क्यूप्रस, और अगर प्लस टू संयोजकता ये होगी तो इसके लिए आप लिखोगे क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, ठीक है, एक लगाएंगे आप उसमें। अब ऐसे ही एफ ई का जो है लेटिन नाम क्या होता है बच्चों, इसका रासायनिक नाम अगर एफ ई को अपन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फेरम, क्या बोलते हैं, फेरम, ठीक है। तो अगर इसकी संयोजकता कहीं पे आपको दो दिखती है, इसकी संयोजकता कम वाली दिखती है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, फेरस, ठीक है, और अगर ज़्यादा वाली संयोजकता दिखती है यानी तीन, तो वो क्या होगी, फेरिक। इतना क्लियर है, ये याद रख लोगे आप, इन चीज़ों को याद रख लेना आप लोग, क्योंकि आगे काम में आने वाली है, ठीक है। तो इतना याद रख लेना आप लोग। फिर अगला जो टॉपिक है अपना वो है अणुसूत्र बनाना। अणुसूत्र देखो किस तरीके से बनाते हैं, अणुसूत्र किस तरीके से बनते हैं, अणु क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो अणु की अगर मैं बात करूँ तो पहले भी अपन ने परिभाषा पढ़ी एक दो बार, अणु मॉलिक्यूल। भैया मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोजन, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोजन, परमाणुओं का संयोजन, संयोजन जो रासायनिक बंध द्वारा, जो रासायनिक बंध द्वारा बंधे रहते हैं, बंध द्वारा बंधे रहते हैं, वह यह स्वतंत्र रूप में रह सकता है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है, रह सकता है, अणु कहलाता है। भाई अणु कहते हैं इसको अपन, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल या अणु की परिभाषा किस तरीके से दोगे, कि दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं साथ में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलेंगे अणु। और वो भी कैसा होना चाहिए, रासायनिक बंध होने चाहिए उनके बीच में, अणुओं के, परमाणुओं के बीच में कैसा बंध होना चाहिए, रासायनिक बंध होना चाहिए, और ये पूरा जो अणु है ये स्वतंत्र रूप में रह सकता है, नेचर में या प्रकृति में ये जो है स्वतंत्र रूप में रह सकता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। भाई इतना क्लियर है। अब देखो इसी से अपन क्या बनाना सीखेंगे, अणुसूत्र, क्या बनाना सीखेंगे, अणुसूत्र, अणुसूत्र, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देखो कैसे बनते हैं, अणुसूत्र कैसे बनते हैं, वो सारा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा इस तरीके से होगी कि तत्वों के प्रतीकों का संयोजन जो किसी यौगिक, जो किसी यौगिक या तत्व के एक अणु को प्रदर्शित करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। इतना क्लियर है। अब अणुसूत्र में देखो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब अणुसूत्र जो है उससे अपने को क्या क्या चीजों का ज्ञान मिलता है। पहली चीज तो आपको ये पता लगेगा कि कोई सूत्र है उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है,
आपको अणुभार निकालना आ जाएगा, उससे अणुभार अपन आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा नॉलेज अपन इसमें सीखने वाले हैं। अब देखो अणुसूत्र किस तरीके से बनता है उसको अपन पढ़ेंगे। तो आपको पहले ये चीज़ याद होनी चाहिए, कल अपन ने पढ़ा था आयन क्या होता है, ठीक है, कल या परसों वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था आयन क्या होता है, धनायन कौन कौन से होते हैं, ऋणायन कौन कौन से होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो अणुसूत्र बनाना, अणुसूत्र बनाना, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अणुसूत्र में एक तो प्रतीक आपको पता होना चाहिए और एक उनकी आवेश या उनकी संयोजकताएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, डायरेक्ट उदाहरण से सीखेंगे। जैसे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सबसे पहले इनके क्या लिखने हैं आपको, प्रतीक लिखने हैं, फिर इनके क्या लिखने हैं, आवेश, या फिर आपकी इनको क्या लिखनी है, संयोजकता लिखनी है, ठीक है, संयोजकता, ठीक है। तो प्रतीक देखो, सोडियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों, Na, इसी के नीचे इसकी संयोजकता आ जाएगी। तो सोडियम की संयोजकता क्या होती है, एक होती है, वैसे प्लस वन होती है, लेकिन प्लस को आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, यहाँ पे आपको सोडियम की वैलेंसी क्या लिखनी है, वन। इसके बाद में हाइड्रोक्साइड, कल मैंने आपको या परसों वाली क्लास में बताया था कि हाइड्रोक्साइड को अपन OH से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी OH। अब इसका भी जो आवेश है वो कितना होता है, एक होता है, ठीक है। अब देखो इनको क्या करना है आपको, जो OH वाला आवेश है उसको तो कहाँ लगाना है आपको, Na पे लगाना है, और जो सोडियम का आवेश है उसको आपको कहाँ लगाना है, OH पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा फॉर्मूला NaOH, ठीक है। जो वन है ये क्या होता है, ये शो करना जरूरी नहीं है, एक को कभी भी अपन शो नहीं करते, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaOH, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं बच्चों, कास्टिक सोडा, ये आपको याद रखना है, कास्टिक सोडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा, इसका काम कहाँ होता है, ये साबुन बनाने में काम में आता है, अपमार्जक बनाने में काम में आता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसका आपको क्या बनाना है, अणुसूत्र बनाना है। तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम का प्रतीक लिखना है आपको, फिर क्लोराइड Cl होता है, ठीक है। अब सोडियम की वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है, वन होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, वन। इनको आपस में क्या कर देना है, मतलब ये जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो कहाँ आएगी, सोडियम पे, और सोडियम की वैलेंसी कहाँ लगानी है, क्लोरीन पे। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, NaCl, एक को हमेशा शो नहीं करते हैं अपन। अब इसका जो साधारण नाम होता है वो है साधारण नमक, जो अपन घर में यूज में लेते हैं, साधारण नमक का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर इसके एग्जांपल अपन देखें तो देखो फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो कैल्शियम का प्रतीक लिखना है आपको सबसे पहले, तो प्रतीक क्या होता है कैल्शियम का, Ca। उसके बाद में आपको इनकी क्या लिखनी है, संयोजकता लिखनी है, संयोजकता लिखनी है, कैल्शियम की क्या लिखनी है, संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, दो होती है। ऑक्साइड की मैं बात करूं तो ऑक्साइड किससे बना है, ओ। अब देखिए यहाँ पे ये आयड आ रहा है ना सब में, आयड जो है ना हमेशा ध्यान रखना, जो अधातु होती है, अधातु जो तत्व होता है उसमें आयड लगाया जाता है, या आइट या एट लगाते हैं, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, किसमें आइट लगता है, किसमें आइड लगता है, सारा पता चल जाएगा। अब कैल्शियम जो है वो क्या होगा, उसकी संयोजकता लिख ली अपन ने। अब ऑक्सीजन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है, दो। अच्छा इसकी प्लस होती है, इसकी माइनस में होती है, माइनस और प्लस को अभी नहीं लेना है, अभी केवल संयोजकता लेनी है आपको, ठीक है। अब इनकी जो है वैलेंसी को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कहाँ आ जाएगी, कैल्शियम पे, और कैल्शियम की वैलेंसी या संयोजकता कहाँ आ जाएगी, ऑक्सीजन पे। इतना क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, Ca2O2, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जब ये आपस में कट रहे हो, ठीक है, समान इनका अनुपात जो है अगर समान हो, तो अपन जैसे मान लो यहाँ पे 2 और 4 होता तो वो भी कट रहे थे, तो अपन इसको काट देंगे और क्या लिख देंगे, Ca O। ये सिंपल रेशियो में अपन इनको लिख रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को अपन बोलते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना,
बिना बुझा हुआ चूना, ये इसका साधारण नाम होता है बच्चों, याद रखना आप लोग। CaO को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। अच्छा, इसी का एक और याद रखना आपको कि कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अच्छा इसका कैल्शियम का प्रतीक आपको लिखना है। कैल्शियम का प्रतीक होता है बच्चों Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, इतना क्लियर है। अब इनके वैलेंसी लिख लो तो कैल्शियम की 2 और OH जो होता है ना, इस पर आवेश क्या होता है? 1 होता है। इस पर चार्ज कितना होता है? 1 होता है। इंटरचेंज करने यानी 1 जो है कहाँ पे लगेगा? Ca के। और ये 2 जो है वो कहाँ आएगा? ब्रेकेट लग के आएगा, ध्यान रखना बच्चों। ये 2 जब आएगा तो ये ब्रेकेट लग के आएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे अपन इसको, Ca1 और OH और इस पर ब्रेकेट लग के 2। अब 1 को तो अपन वैसे भी शो नहीं करते, तो ये क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइज, इसको क्या बोलते हैं? होल ट्वाइज। इसका नाम जो है वो होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है भाई? बुझा हुआ चूना। देखो ये क्या था? बिना बुझा हुआ चूना, और ये क्या है? बुझा हुआ चूना। CaO को जब वाटर यानी पानी से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये बनता है, ठीक है? अभी इतना याद रख लेना, बाद में 10th क्लास में या बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे। तो CaO को जब H2 यानी जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बन जाता है? CaOH का ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना, और जैसे पानी डाला ये क्या हो गया? बुझ गया। इस तरीके से याद रख लेना आप लोग, ठीक है? तो ये बुझा हुआ चूना, सफेदी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? घरों पे सफेदी करते हैं, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने एक उदाहरण लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक लिखना है Mg, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक लिखना है OH, Mg जो है इसकी संयोजकता होती है 2 और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1, ठीक है? अब इंटरचेंज करना है वैलेंसी को, तो ये वाली कहाँ आ जाएगी? Mg के 1 को शो नहीं करते अपन। OH जो है उस पर क्या आ जाएगा बच्चों? इस तरीके से होल ट्वाइज। इसको अपन देखो MgOH का होल ट्वाइज, इसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका साधारण नाम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इतना याद रख लोगे, ठीक है? और ये कहाँ काम में आता है? पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, ठीक है? पेट की अम्लता दूर करने में। अब जो है अगला टॉपिक जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है?